अच्छा ये आया कहां से इसका डेरिवेशन अगर हम समझे तो टेन ए प्लस बी का मतलब होना चाहिए साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी करेक्ट सो साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा है साइन ए प्लस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी सो अगर हमें सब कुछ

तो सारे थीटास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे एंड इट विल बी ईजियर टू कंप्रेहेंड तो ये कटेगा बचेगा टेन ए प्लस ये कटेगा बचेगा टेन बी सिमिलरली ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा वन और यहां बन जाएगा टेन ए टेन बी विच यू कैन सी दैट प्रूव अवर आइडेंटिटी दैट टेन ए प्लस बी होता है 10A plus 10B upon 1 minus 10A 10B. आपको ये formula याद रखना है बहुत important है इसमें मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ सो इफ वी पुट बी की जगह माइनस बी वी विल गेट अवर सेकेंड रिजल्ट अगर हम इसमें बी की जगह माइनस भी रखते हैं तो हमें अपना सेकेंड रिजल्ट मिल जाता है विच इजन ऑफ ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी अब इन्हीं दोनों के स्पेशल केस हैं एक स्पेशल केस है जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसलिए हम अलग से लिख रहे हैं तो इसमें अगर आप इन फर्स्ट और सेकंड में अगर आप ए और बी में से एक एंगल को 45 डिग्री लेते हैं और एक को ए ही रहने देते हैं सो यू विल गेट कौन एन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस ए मतलब टेन पाई बाई फोर प्लस ए होता है अपॉन वन माइनस टेन ए तो ये क्या लिखा है मैंने ये मैंने एक्चुअली एक एंगल को 45 डिग्री ले लिया है और टेन फोर्टी डिग्री वन होता है तो इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं और सिमिलरली इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं सो थर्ड एंड फोर्थ अलग से एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट और सेकंड की मदद से डिराइव हुआ है बट थर्ड और फोर्थ का एप्लीकेशन जो है वो RHS LHS है वो टू मतलब कहीं पे अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन लिखे हुए सो यू शुड बी अवेयर दैट ये वन जो है ये एक्चुअली टेन पाई बाय फोर की तरह देखा जाना चाहिए सो दिस इज द ट्रू एप्लीकेशन हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे हाउ थर्ड एंड फोर्थ कैन बी यूज

साइने साइन बी मतलब आप इस न्यूमरेटर को भी साइने साइन बी से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी हम लोग साइने साइन भी डिवाइड कर देंगे तो उससे जो बनेगा वो रिजल्ट बनेगा कॉट का फॉर्मूला कॉर्ट ए प्लस भी होता है कॉटे कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉर्ट बी प्लस कॉट ए एंड एग्जैक्ट सेम वे में आप लोग माइनस वाला भी डिराइव कर सकते हैं कॉट ए माइनस भी होता है कॉटे कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आप याद रखिए क्योंकि दोनों लिंक करना आसान हो जाता है इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस है इसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस है उल्टा और टेन में भी यही टेन में यहां माइनस प्लस और यहाँ प्लस माइनस तो क्या है वो प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले जो हैं ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं और ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलास इन द सेम ऑर्डर और ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं आप दो चार प्रॉब्लम करोगे आपको अपने आप ये रिजल्ट याद हो जाएंगे सो लेटेस्ट ट्राई सम प्रॉब्लम ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो

अपॉन वन माइनस वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय टेन बी सो वॉट यू हैव टू डू इज यू टू टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दीज टर्म्स आप एलसीएम लीजिए इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए तो कैसे बनेगा ये ये बन जाएगा एन इन टू टू एन प्लस वन और यहाँ पे वन इन टू तो एन प्लस वन ये न्यूमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर में लिखा होगा एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन माइनस एन इंटू वन सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशनिनेटर में आपको मिलेगा टू एन स्क्र प्लस टू एन प्लस वन और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा टू एन स्क्वेर प्लस थ्री एन प्लस वन माइनस एन तो इवेंचुअली वो सेम ही है कट के वन आ जाएगा फाइनल आंसर जो आएगा वो वन आ जाएगा सो दिस इज हाउ फॉर्मूला कैन बी यूज डायरेक्टली एप्लीकेशन है एनी फॉर्मूले का फॉर्मूले का और हम लोग और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं इस पर नाइन्थ वाला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये जो आइडेंटिटी है टेन थ्री ए जो होता है टेन थ्री ए टेन टू ए और टेन ए इनफैक्ट आप इसको याद भी रखना किसी भी एंगल का डबल और ट्रिपल और वो एंगल खुद उनके टेन थीटास अगर मल्टीप्लाई में है तो आप लोग इस प्रोडक्ट को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए कैसे डिराइव किया गया होगा ये तो अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अपना ये फर्स्ट रिजल्ट है ए तो है ही अपने पास तो आप बी की जगह रख लीजिए टू ए सो अगर आप बी की जगह टू ए रखते हैं यू विल गेट टेन ऑफ ए प्लस टू एक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी जो कि टेन टू ए हो जाएगा अपॉन वन माइनस का मतलब टेन टू ए हो जाएगा सो ये है टेन थ्री दिस इज टेन थ्री ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को वन माइनस टेन ए टेन टू ए प्लीज फिगर आउट द बीच के स्टेप्स तो इसी को रीअरेंज करके इसी पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टेन ए

तो कैसे करेंगे हम लोग हम इसमें से इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग कॉस नाइन डिग्री को यह मैं अलग से ट्राई कर लेते हैं चलो साइन नाइन डिग्री माइनस कॉस नाइन डिग्री अपॉन साइन नाइन डिग्री प्लस कॉस नाइन डिग्री तो हो यही क्वेश्चन है अपना सबसे पहला काम हम करेंगे हम कॉस नाइन डिग्री डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में मैंने कॉस नाइन डिग्री डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी मैंने कॉस नाइन डिग्री डिवाइड किया इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा यह हुआ जो अपना क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है एक एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन का नाम है टेन ऑफ नाइन डिग्री माइनस वन अपॉन टेन ऑफ नाइन डिग्री प्लस वन अब देखो ये है एप्लीकेशन थर्ड और फोर्थ का तो थर्ड और फोर्थ से आप लिंक करके चलिए तो आपको कुछ कुछ देखते देखा हुआ मिलेगा जैसे ये तो इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लू बाहर तो ये लिखा है वन माइनस टेन नाइन डिग्री अपॉन वन प्लस टेन नाइन डिग्री सो एक्चुअली ये पाई बाय फोर वन को आप पाई बाय फोर की तरह रीड कीजिए तो ये लिखा हुआ है टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री माइनस नाइन डिग्री सो जो एल है जो इस पूरे क्वेश्चन का एल है LHS is actually minus 10 36 degree. LHS जो है minus 10 36 degree है और RHS को भी आप लोग simplify कर सकते हैं. RHS को हम लिख सकते हैं 10 180 degree minus 36 degree. Second quadrant में 10 negative होता है. So तो this value will also be equal to this thing. तो इस तरीके से अपना proof complete हो जाएगा. चलिए एक quadratic और इसका mix सवाल लेते हैं. ये previous year IIT JEE question है. पहले भी आ चुका है IIT JEE में. सो so, ये इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है तो इस तरीके से मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रेशन इन सीरीज को ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिला दिया जाएगा कभी कभी क्वाड्रेटिक uh, इक्वेशन के को ट्रिग्नोमेट्री trigon, uh, के साथ मिला दिया जाएगा सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन इफ द द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टेन एंड टेन बी वेर द एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है सो so, हम लोग स्टार्ट कैसे लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे अपना क्या होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला

तो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए तो आप क्वाड्रेटिक को देखिए और जज कीजिए कि सम ऑफ रूट्स कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है तो ये निकल के आ रहा है रूट थ्री और क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं इसका मतलब जो अपना ए प्लस बी रहा होगा वो रहा होगा सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो so, रेडियंस में बोले तो पाई बाय थ्री होगा सो लेट अस ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन

tan a le hai, b का मतलब होता है tan a tan b 1 tan a tan b तो हम a की जगह 50 डिग्री ले लेते हैं और b की जगह 40 डिग्री इससे फायदा क्या होगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेशन उस टाइप का कुछ बनने लगेगा तो ये हो जाएगा tan a tan b 1 tan a tan b सो व्हाट आई हैव डन इज सिंपली मैंने अपने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में एक एंगल 50 डिग्री ले लिया है एक एंगल फोर्टी डिग्री ले लिया है सो दिस बिकम्स एल एच एस है टेन ऑफ टेन डिग्री आर एच एस है टेन ऑफ फिफ्टी डिग्री माइनस टेन ऑफ फोर्टी डिग्री अपॉन में वन प्लस समथिंग अच्छा ये एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ है एज इट इज ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सो so यहां पे जो है इसे हम सिंप्लीफाई करना पसंद करेंगे सो so अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे बोलूंगा मैं दिस इज टेन फिफ्टी डिग्री और 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बाई दी वे सो so, ये 10 40 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं कॉट ऑफ 50 डिग्री सो so, ये eventually एक दूसरे के रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई so, 1 1, so, करके हम लोग बोल सकते हैं दैट फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम एक्चुअली विल बी 10 50 माइनस टेन फोर्टी अपॉन 10 ऑफ 10 डिग्री मतलब अब इसको एलएचएस से आरएचएस में ले आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और ये जो टू बनाए ये आर एच एस से एल एच एस में चल जाएगा सो द आंसर विल बी इक्वल टू टू ये जो एक्सप्रेशन है के के बराबर लिखा है और के की वैल्यू टू आ जाएगी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफकोर्स आपको हिंट दे रहा होगा इट इज अ प्रॉब्लम ऑन कॉर्ट कॉर्ट वाली आइडेंटिटीज के ऊपर होगा कुछ तो कॉर्ट के हम दो ही आइडेंटिटीज जानते हैं प्लस और माइनस में तो क्या होता है कॉर्ट की आइडेंटिटी कॉर्ट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉर्ट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए तो मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी लिखी है अगर मुझे वाली लिखनी है मतलब यहाँ प्लस की जगह माइनस चाहिए तो मैं ऊपर प्लस ले लूंगा और नीचे माइनस ले लूंगा ओके okay, सो so, दो आइडेंटिटीज होती है फिलहाल हम लोग फोकस करें प्लस पे अगर इससे नहीं होता तो हम लोग माइनस वाली ले, ले लेंगे अच्छा जो प्रूफ करना है उस पर भी ध्यान देते हैं कॉट सिक्सटीन और कॉट फोर्टी डिग्री इधर थ्री लिखा हुआ है इधर और ऐसा तो क्वेश्चन ने ही हिंट दी है कि अप्रोच यहाँ फर्स्ट स्टेप जो होगी वही होगी कि थ्री को हम लोग रीड करेंगे one plus one plus one. एक वन को हम इसके साथ क्लब कर देंगे LHS में लेके आके दूसरे ये ये अच्छा भी टी होगा दूसरे वाले वन को हम इसके साथ क्लब कर देंगे और तीसरे वाले वन को हम इसके साथ क्लब कर देंगे सो so क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है इस टर्म पे फोकस कीजिए आप ये टर्म मुझे बनते हुए नजर आ रही है सो आई कैन स्टार्ट न सेन जनरल आई कैन से दर एनी टू एंगल्स ए एंड बी कॉटे कॉट बी माइनस वन कॉटे कॉट बी माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी प्लस कॉटे ये वाला स्टेटमेंट तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक एक करके एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू रख लेंगे तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग 16 डिग्री और 44 डिग्री लेंगे ए और बी का वैल्यू इसके लिए हम लोग 44 डिग्री और 76 डिग्री ले लेंगे और इसके लिए हम लोग 76 डिग्री और 16 डिग्री ले लेंगे सो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल गेट थ्री इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन कुछ नहीं किया हमने ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज लिए और क्वेश्चन का एक्सप्रेशन जो है जो भी क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है उसको जनरेट अच्छा ये थर्ड वाले के लिए बाई दिवे मैंने ये वाला लिया है थर्ड वाले के आइडेंटिटी माइनस वाली अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए तो थर्ड में क्योंकि वो प्लस वन है इसीलिए तो थर्ड में हमने ये यहां प्लस चाहिए था तो इसलिए हमने ये प्लस वाला लिया है तो इधर माइनस और माइनस आएगा मतलब ये और ये क्शन वाला चीज सो प्लीज अंडरस्टैंड द दी स्टेप्स या द थ्री इक्वेशन जो हमने जनरेट की है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को एड करेंगे और उसमें से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना एल एच एस जनरेट हो जाएगा और आर एच एस में साइक्लिक टर्म्स होने की वजह से वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा सो आई एम गिविंग यू स्टेप या आई एम गिविंग यू द फॉलोइंग स्टेप्स जिसको आप लोग खुद से करो मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं आप खुद से लिख लिख के ट्राई करो एंड सोचो ये कैसे हो हो रहा है तो है तो सेकंड क्वेश्चन जो वो इक्वल टू जाएगा नीचे वाला थर्ड जो है उसको हम लोग ट्राई करेंगे थर्ड वाला भी एक्चुअली एक ईजी सवाल है एक्स माइनस का वैल्यू दे रखा है और कॉटेक्स प्लस कॉट वाई का वैल्यू दे रखा है तो आप इसको दो इक्वेशन दो अनोन की तरह ट्रीट कीजिए बट ट्रिग्नोमेट्री में ओके सो वी हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई का वैल्यू या सम ऑफ एक्स एंड वाई जो भी पूछ ले तो हम एक्स और वाई ही निकाल लेंगे फिर सम डिफरेंस जो पूछ लेगा तो कैसे अप्रोच करें सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन जैसा आपको समझ में आता था बिल्कुल वैसे ही सो so गिवन है अपने पास ये तो हम लोग पहले एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं एक्स की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे पाई बाय फोर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस पाई बाय फोर और इसको पुट कर देंगे अपने सेकेंड इक्वेशन में जो अपने वो गिवन है So, क्या बन जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय फोर प्लस वाई प्लस कॉट वाईक्वल टू टू करेक्ट और फिर हम इसे कॉट की आइडेंटिटी लगा लेंगे तो कॉर्ट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉर्ट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए तो कॉट फोर्टी फाइव डिग्री जो है वो वन है तो आप उसकी वैल्यू डाल देंगे एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द टाइमिंग बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए मैंने कॉर्ट वाई को सी लिखा हुआ है Y equal to c लिख लिया शॉर्टकट में तो उससे स्पीड बढ़ती है सॉल्व करने में सो so इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके कॉर्ट वाई की वैल्यू आ रही है प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री दोनों आ रही है बट क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वार में बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल वाई इज इक्वल टू पाए बाय सिक्स एंड इफ वाई इज इक्वल टू पाए बाय सिक्स एक्स इज इक्वल टू फाइव पाए बाय ट्वेल्व तो इसका फाइनल आंसर आप समझ सकते हैं

अच्छा यहाँ पे टेन टू बीटा के अलावा वो टेन टू अल्फा भी पूछ सकता था द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक विल रिमेन द सेम क्या कॉन्सेप्ट क्या लॉजिक रहेगा कि अगर मैं इसको एक एंगल की तरह सोचता हूँ इसको एक एंगल की तरह सोचता हूँ y तो मुझे टू बीटा कब मिलेगा जब मैं इस x और y को सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर टू अल्फा पूछता ना तो मैं यहाँ पे एड कर देता याद है आपको हमने क्वेश्चन किया था ऐसा तो टेन एक्स प्लस वाई का क्या लिखूंगा रिजल्ट टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई सो इन शॉर्ट बस अपने को करना क्या है थ्री बाय फोर माइनस फाइव बाय ट्वेल्व अपॉन वन प्लस एंड फाइव बाई ट आ जाएगा इज दिस आइडेंटिटी इन फैक्ट दीज टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट सो ये स्पेशल केसेस हैं सो प्रूफ यूर सेल्फ एंड रिमेंबर द रिजल्ट तो इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए

और अगर आप लोग ये प्रूफ कर चुके हो तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रूफ हम लोग करेंगे इसको बट आई वॉन्ट यू टू डू डिग्री माइनस थीटा मतलब इस टाइप का जब भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो थीटा कुछ भी हो थीटा कुछ भी हो इसकी वैल्यू हमेशा टू आती है तो वो कैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसे हम कह सकते हैं

और ये साथ-साथ चलते जा रहा है जो लिखा हुआ है साइड में तो दिस विल गेट कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट होगा आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आता है टू। सो द पॉइंट इज थीटा कुछ भी हो हर थीटा के लिए ये ट्रू है मतलब ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल इन दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो 1 10a और 1 10b का प्रोडक्ट 1 10a और 1 10b का प्रोडक्ट जहां पे ए और बी का सम हमेशा 45 डिग्री होता है तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है टू के बराबर सिमिलरली हम लोग सेकंड वाला प्रूफ कर देते हैं exactly same, तो जो हमने 45 डिग्री के लिए बात की वही अब हम लोग थर्टी डिग्री के लिए बात करने वाले मतलब अगर आप इसको देखें तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है इन दोनों का सम अगर हमेशा ये सम कांस्टेंट आ रहा है 30 डिग्री तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा फोर बन जाता है तो कैसा बनेगा ये? ये लिखा है रूट थ्री प्लस टेन थीटा और सेकंड वाले में लिखा है रूट थ्री प्लस टेन ऑफ थर्टी डिग्री माइनस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी वाले आइडेंटिटी से नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इस दोनों से रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ये बन गया अपना first term और और तो ऐसे ही चल रहा था यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 1 1 पे क्या लिखा हुआ है? एज इट इज रूट थ्री प्लस ठीक है ये एज इट इज चल रहा है और इसको हमने सिंप्लीफाई किया नो द पॉइंट इज ये पूरा इससे कैंसिल हो जा रहा है एंड अगर नीचे वाले को भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो दिस थिंग एक्चुअली बिकम्स रूट थ्री प्लस टेन थीटा बाय रूट थ्री सो ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट होगा सो फाइनल आंसर विल बी रूट थ्री प्लस होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन रूट ऑन सिंप्लीफिकेशन विच

जहां पे ए और बी का जो सम है वो 45 डिग्री है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा टू आएगी ऑलवेज दिस इक्वे दिस विल गेट सिंप्लीफाईड टू टू यही अपना फर्स्ट रिजल्ट है ठीक और सेकंड वाले में फर्क क्या बढ़ गया है बस ये जो साइड में वन लिखा है यहां वन की जगह रूट थ्री है यहाँ वन की जगह रूट थ्री है और इनका सम फोर्टी फाइव डिग्री की जगह थर्टी डिग्री है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमेशा सिंप्लीफाई होके फोर बन जाएगा तो क्वेश्चन so करके देख लेते हैं और अगर आप कोई रिजल्ट भूल जाते हो आप तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप क्वेश्चन को सोल्व करना से. बेसिक से आप लोग बेसिक से चले जाइएगा जैसे हमने एक्चुअली डिराइव किया है सो लेटेस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम तो देखो जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत इजिली जज कर लेगा इलेवन डिग्री और नाइनटीन डिग्री का जो सम होता है इलेवन डिग्री प्लस 19 डिग्री का सम होता है 30 degree, 30 degree. तो यू कैन सी दैट सेकेंड रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा तो है न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर जो है इस क्वेश्चन में वो एक्चुअली ये पूरा न्यूमरेटर एक्चुअली लिखा है फोर एंड सिमिलरली ये

R into 3 degree. R की value, जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है तक है और ये 2 power N से equate हो रहा है। तो I, I suppose आप इसको वीडियो को कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए मच मोर फ्रूटफुल फॉर यू सो अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं अच्छे से तो हम इसको डिस्कस करते हैं R है ना? आर की वैल्यू वन डालते हैं तो हमें मिलेगा पहला टर्म R की वैल्यू टू डालेंगे तो हमें मिलेगा दूसरा टर्म सिमिलरली R की वैल्यू हम लोग ऐसे पुट करते जाएंगे तो हमें कुछ टर्म्स जनरेट होते हुए मिलेगी. थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन एंड सो ऑन लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड थोड़ा सा लिख लेते हैं तो थर्टी नाइन डिग्री फिर होगा हमारे पास फोर्टी टू डिग्री और फिर होगा हमारे पास लास्ट टर्म वन प्लस टेन प्लस फोर्टी फाइव डिग्री तो ये फिफ्टीन इंटू थ्री पैटर्न कैसे बनाए हम पेयर्स बनाए जोड़िया बनाए इसका जोड़ी इसके साथ बना लेते हैं क्यों क्योंकि थ्री डिग्री और फोर्टी टू डिग्री का जो सम होगा वो फोर्टी फाइव डिग्री होगा सिमिलरली विदो का पेयर बन जाएगा तो वन प्लस टेन ऑफ सिक्स डिग्री तो ये सिक्स और थर्टी नाइन का सम फोर्टी फाइव होता है तो देख लो ना आप यहाँ से हम लोग तीन तीन इधर से हम लोग थ्री थ्री कदम बढ़ते जा रहे हैं और उधर से हम लोग थ्री थ्री एंगल घटते जा रहे हैं

प्लस फोर्टी टू डिग्री वाला पेयर बना उसकी वजह से ये आया फिर सिक्स डिग्री और थर्टी नाइन डिग्री वाला पेयर बना उसकी वजह से ये आया सिमिलरली नाइन डिग्री और थर्टी सिक्स डिग्री वाले का पेयर बना उसकी वजह से ये आया तो ऐसा कितनी बार होगा थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन तो फोर्टी फाइव डिग्री के साथ कैसे पेयर बनते जाएंगे ये थर्टी थ्री ये मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा आपको थर्टी ये बन टी सेवन और एक और टू आएगा है ना ये पे, ये पे, ये इस इस इस, पे 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 और ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर डिग्री आई थिंक दिस इज द लास्ट पेयर नो मोर पेयर विल बी फॉर्मड ओके और एक ये भी तो बच गया ये खुद भी टू है क्योंकि टेन फोर्टी फाइव डिग्री जो होता है वो वन होता है तो ये वन प्लस वन लिखा है सो so,

सो so, ये था अपना सेकेंड प्रॉब्लम और थर्ड वाला भी एक अच्छा प्रॉब्लम है ये भी ट्राई करते दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द अब रिजल्ट बट जस्ट ऑन सम प्योर कॉमन सेंस तो टेन फोर थीटा को हमें टेन थीटा में एक्सप्रेस करना, करना है और इसको आप अच्छे से समझिए बिकॉज द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक देखो जो अपना फॉर्मूला होता है जो अपना आइडेंटिटीज होता है टेन ए प्लस बी का दैट इज ट्रू फॉर एनी एंगल a 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b हम लोग जो लिखते हैं इसमें a और b कुछ भी डाल सकते हैं तो सोचिए अगर मैं इस फॉर्मूले में a और b दोनों को थीटा ले लेता हूं तो जो डेरिवेशन जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा tan 2 थीटा का tan 2 थीटा विल बी tan थीटा tan थीटा अपॉन 1 tan थीटा 10 थीटा तो पहले तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आपको याद भी करने को बोलूंगा मैं ये तो सिमिलरली एक बार मैं उसी फॉर्मूले में ए और बी दोनों को टू थीटा रखता आगा तो मुझे मिल जाता है टेन ऑफ टू थीटा प्लस टू थीटा दैट इज टेन ऑफ फोर थीटा तो ये भी होता टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा सर तो so, मुझे 10 फोर थीटा को 10 थीटा में एक्सप्रेस करना है तो अब मैं इसका रिजल्ट भी इसमें पुट करूंगा तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम हो सकता है बट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द बिगर एंगल्स इन टर्म्स ऑफ द स्मॉलर वंस सो ये हो जाएगा 2 10 थीटा अपॉन 1 10 स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 2 10 थीटा अपॉन 1 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नाउ ऑल यू हैव टू डू डू इज द कैलकुलेशन एंड सिंपली कंपेयर इट आपका जो भी रिजल्ट आता है आप उसको इस फॉर्मेट में जमाने की कोशिश करो और कंपेयर करो कंपेयर करके आपको नंबर्स मिल जाएंगे ए बी सी तो मैं आपको एक छोटा सा स्टार्ट दे देता हूं जैसे कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको ये लिखा है फोर टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्कोयर थीटा नीचे लिखा होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है तो उसकी वजह से मैं ऊपर भेज चुका हूं उसको टू टेन थीटा का स्क्वायर सो दिस थिंग इवेंचुअली बिकम्स न्यूमरेटर जो है वो फोर टेन थीटा अच्छा वो तो सेम यही रहेगा डिनोमिनेटर को हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस की पावर फोर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर में से माइनस फोर टेन स्क्वायर गया तो माइनस सिक्स टेन स्क्वायर थीटा बचेगा तो कंपेयर करके अपॉन कंपेयरिंग आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए इज फोर अगर मैं एक दो स्टेप्स स्किप करता हूं सो प्लीज फिगर आउट द कैलकुलेशन बाई यूर सेल्फ कंपेयर करके मुझे सी और बी बी का मतलब है टेन स्क्वायर का टर्म बी का मतलब है माइनस सिक्स है प्लस सिक्स प्लस में दिया है सब कुछ तो बी का वैल्यू आना चाहिए कंपेयर करके माइनस सिक्स और जो सी का वैल्यू आएगा को ऑफ टेन पावर फोर थीटा दैट विल बी इक्वल टू वन सो वी कैन रिपोर्ट द फाइनल आंसर एस ए बी और सी जो रहेंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे